नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों बात करेंगे यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जो है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका फरवरी तक आ जाएगा। फरवरी के थर्ड वीक में, लगभग 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। ऑफिशियल अपडेट आई है तो आप सभी तैयार रहें। बस अगर देखा जाए फरवरी से और मई तक का समय, 14 मई को एग्जाम हो जाएगा आपका प्रीलिम्स का, तो लगभग 100 दिन शेष बचेंगे आपके। तो इन दिनों में आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। और अब तो एक और पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है, लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रयासों से, ज्ञान सर के प्रयासों से अब ऑप्शनल रिमूव हो सकता है यूपीपीएससी मेंस के एग्जाम से। जी हां, ऑप्शनल रिमूव हो सकता है। तो ये सूचना भी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और लगातार स्टार्टिंग से ही वर्ष 2018 से इसकी बात चल रही है, और 2018 से ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने, ज्ञान सर ने लगातार प्रयास किया है इस क्षेत्र में इसके लिए कि ऑप्शनल को रिमूव किया जाए। क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा था। जो साइंस सेक्शन के बच्चे थे उनको प्रॉफिट हो जाता था, मैथ्स वगैरह में अच्छे मार्क्स आ जाते थे मेंस के एग्जाम में, बाकी के जो और बच्चे होते थे उनके मार्क्स कम हो जाते थे। ह्यूमैनिटीज के छात्रों को इससे लॉस होता था। तो ऑप्शनल अगर रिमूव होता है तो इसका फायदा सबको मिलेगा, और जो बच्चे हैं जिनका मेंस रुक जाता था उनका अच्छे से मेंस निकल जाएगा। तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है इस बार के एग्जाम में। अब देखते हैं ये इस बार से लागू होता है या नहीं, लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकती है। चुनावी साल है तो कई सारी मांगे जो बच्चों की हैं वो अगर रखी जाएंगी आयोग के सामने तो वो मानी भी जाएंगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है ही। तो अच्छी खासी वैकेंसी भी आपको मिलेगी देखने के लिए। अपनी तैयारी को करते रहें, अभी से स्टार्ट कर दें, बहुत कम समय बचा हुआ है। प्री निकालना मुश्किल होता है यूपीपीएससी का। सब जानते हैं कि यूपीएससी का जो बच्चा होता है, यूपीएससी भले निकाल ले पर प्रीलिम्स जो यूपीपीएससी का होता है उसको निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। प्रश्न जो है अलग तरीके से आते हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है लगातार। तो आप तैयारी को अभी से करें, और बिल्कुल अभी से कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ निरंतर जुड़कर आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो निरंतर चैनल के साथ बने रहें और अभी से तैयारी को करने में जुट जाएं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है, हमेशा आपका साथ दिया है और आगे भी साथ देते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री होता है। आपको सारे वीडियो, जितने भी पेड ग्रुप होते हैं, पेड क्विज होते हैं, पेड इनिशिएटिव जितने भी चलते हैं, उन सब पर आपको वीडियोस बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो आप बिल्कुल फ्री में पढ़कर, अगर निरंतर पढ़ते रहते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपको सिलेक्शन मिलता है। और कई सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया भी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सबसे ज्यादा पीसीएस में सिलेक्शन होते हैं, लगभग 7-8 सालों से यही रिजल्ट रहा है। सबसे ज्यादा जो पीसीएस में बच्चे निकलते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से निकलते हैं, चाहे आरओआरओ का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। तो ये रिजल्ट तो आपने देखा ही है। तो आप भी जुड़े रहे, अपना सिलेक्शन पक्का करें वर्ष 2023 में। आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके नए साल के लिए। नए वर्ष में आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनमें अपना सिलेक्शन ले लें। बस यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।